नमस्कार। कल की क्लास में हमने फूड एडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, भोज्य पदार्थों में मिलावट। सबसे पहले हमने उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और उसके भोज्य पदार्थों में मिलावट के उद्देश्य है, कैसे कहें हम भोजन में मिलावट है और भोजन में मिलावट के कारण। आज हम पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों में मिलावट की पहचान के क्या तरीके होते हैं, मतलब हम कैसे पहचाने कि भोजन खराब हो चुका है या भोजन में क्या किस तरह की मिलावट की गई है। आजकल जो होता है भोज्य पदार्थ मिलावट का प्रचलन बहुत अधिक हो रहा है, शुद्ध घी, देसी घी, शहद, पीसे हुए मसाले तो मिलने दुर्लभ ही हो गए हैं, जिसका दुष्प्रभाव जो होता है मानव के शरीर पर तर कई बीमारियां होने लगती हैं, पाचन संस्थान गड़बड़ाने लगता है, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जित अंतर संस्थान, नाड़ी संस्थान आदि अंगों पर शरीर के प्रभाव पड़ता है। लगातार मिलावटी भोजन खाने से जो हम भोजन रेगुलर यूज़ करते हैं उनमें मिलावट अधिक है तो बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है, निर्बल हो जाता है और व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। कई बार तो व्यक्ति को लकवा भी पड़ जाता है अधिक मिलावटी भोजन खाने से। मिलावटी पदार्थ के सेवन से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और कई बार व्यक्ति असमय काल ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। मिलावटी जो भोजन है वो आजकल इसका प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके, स्वस्थ जीवन जिया जा सके, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मिलावटों को भोजन में मिलावट की पहचान करें। इसके लिए हम दो परीक्षण करते हैं। मिलावटी भोजन पहचानने की दो विधियां होती हैं, एक तो होती है भौतिक विधि और एक होती है रासायनिक विधि। भौतिक विधि और रासायनिक विधि, भौतिक विधि जो होती है इसे इसमें भी कई विधियां होती हैं, इसकी सब विधियां होती हैं, इसमें कई प्रकार की विधियां होती हैं जिनको लेकर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पहली विधि निरीक्षण द्वारा। अनाज, दालें, सूखे मेवे, सूखे मसाले आदि कंकड़, बालू, मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, अनाज, डंठल वगैरह भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। हम देखते ही हैं इनको, हम आँखों की पहचान के द्वारा देख कर निकाल लेते हैं या हथेली पर या थाली में लेकर इसको हम अलग कर देते हैं, या पानी भरकर जिसमें जो व्यंजन हम साफ कर रहे हैं, जो दालें हम साफ कर रहे हैं, जो आहार हम साफ कर रहे हैं उसमें पानी भरकर, डंठल होते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं, कंकर पत्थर होते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह भी बाई ऑब्जर्वेशन के द्वारा परीक्षण कर भोज्य पदार्थों मिलावट से बचा जा सकता है। सेकेंड आता है हमारा ब्लॉटिंग पेपर द्वारा। गीले ब्लॉटिंग पेपर में चाय पत्ती, भुने चने फैलाकर दबाने से यदि उसका रंग बदल जाता है तो इसमें कोलता रंग की डाई करी हुई होती है, इसकी जानकारी हमें हो जाती है, ये हमें ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा पता चल जाता है। थर्ड आता है हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा। भोज्य पदार्थों के बारीक कणों को हम जैसे सरसों, राई, जीरा, सूजी आदि में कंकड़ पत्थर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पानी में घोलकर। शक्कर या नमक पूर्णतः जल में घुलनशील होते हैं, हमें पता ही है, यदि इन्हें घोलने के पश्चात भी तली पर नीचे बैठ जाता है सामग्री तो इसका मतलब उसमें किसी न किसी चीज़ की मिलावट है। अगर ये पूर्ण रूप से घुल जाता है नमक या चीनी पानी के अंदर तो इसका मतलब उसमें मिलावट नहीं, अगर पैंदे पर कुछ ना कुछ बच जाता है, जमा हो जाता है तो यानी उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों की मिलावट है। नेक्स्ट आता है स्वाद द्वारा। काली मिर्च, पपीते के बीज में अंतर हम स्वाद के द्वारा पता कर लेते हैं। जनरली देखा जाता है कि काली मिर्च और पपीते के बीज एक जैसे होते हैं, लेकिन हम उसको खाकर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यह काली मिर्च और यह पपीते का बीज है। काली मिर्च में तीखापन होता है, पपीते के बीज में तीखापन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है स्पर्श द्वारा। भोज्य पदार्थों मिलावट की पहचान छूकर भी कर सकते हैं हम। हींग जल में घुलनशील होती है, हींग में गोंद या रेंजिन मिलावट होने पर भी पानी में छूने पर चिपचिपा महसूस होती है। यदि गोंद में राल मिला रहता है तो जल में घुलने पर यह बर्तन की तली में बैठ जाती है। इसी तरह सत्व निकला हुआ लौंग का स्वरूप मुरझाया हुआ एवं कलियां बिखरी हुई टूटी हुई होती हैं, ये ताजा जीवन स्वस्थ नहीं दिखती, तो यानी हम उसकी पहचान कर लेते हैं। चुंबक द्वारा कैसे पहचान करी जाती है? सूजी, चाय की पत्ती, काफ़ी, कोको आदि लोहे का बुरादा मिला होता है, हम चुंबक उसमें डालकर देखते हैं तो हमें चुंबक के ऊपर अगर लोहा है तो वो चिपक जाता है, अगर लोहा नहीं है तो वो नहीं चिपकता, यानी पूर्ण से आहार जो भोज्य सामग्री है या जो
रॉ मटेरियल है वो अच्छा है, क्वालिटी उत्तम है उसकी, गुणवत्ता उसकी उत्तम है। अगर वो चुंबक के चिपक जाता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसका सेकंड परीक्षण आता है रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण में सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परीक्षण करते हैं, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परीक्षण कई भोज्य पदार्थों पे किया जाता है। सबसे पहले दाल में पीला रंग, एक बर्तन में हम 5 ml पानी में 5 ग्राम दाल लेकर मिलाते हैं। हम ये देखते हैं कि उसमें कुछ बूंदे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डालते हैं। यदि इसका रंग गुलाबी हो जाता है तो हमें समझना चाहिए कि उसमें पीला रंग मिला हुआ है। अगर मिलाने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालने पर पानी का रंग पीला हो जाता है, यानी उसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उसमें पीला रंग मिला, इसका मतलब उसमें किसी ना किसी चीज़ की मिलावट है। नेक्स्ट आता है चना, अरहर, अन्य दालों में केसरी दाल की पहचान करना। एक गिलास में थोड़ी सी दाल लेकर 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। अब इस गिलास को हल्के गर्म पानी में डुबाकर 15 मिनट तक रखते हैं। यदि गुलाबी रंग उपस्थित हो जाता है तो उसमें केसरिया दाल मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है शुद्ध घी में वनस्पति डालना। एक बर्तन में 1 चम्मच शुद्ध देशी घी को लेकर पिघलाएं। इसमें इतनी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं। इसमें 2-3 बूंद फर्फुरल का घोल डालते हैं। इसे 1 मिनट तक हिलाते हैं। तत्पश्चात 5 मिनट तक यूं ही छोड़ देते हैं। यदि गुलाबी रंग उपस्थित हो तो समझना चाहिए कि शुद्ध देशी घी में डालडा घी की मिलावट है। इस तरह हम डालडा घी की मिलावट या वनस्पति घी की मिलावट का पहचान कर सकते हैं। गुड़ में पीला रंग, थोड़ी सी गुड़ में 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। यदि गुड़ का रंग मैजेंटा हो जाता है तो इसमें पीला रंग मिला हुआ है। बूरा या चीनी में धोने वाला सोडा, बूरा चीनी में HCl डालने से भी यदि फदफदाहट के साथ गैस निकलने लगती है तो यानी उसमें सोडा डाला हुआ है। पीसी लाल मिर्च, लाल मिर्च में थोड़ी सी मात्रा एक बर्तन में लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ईथर डालते हैं, इसे छान कर इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। यदि इसका रंग गुलाबी हो जाता है तो हमें यह समझना चाहिए कि लाल मिर्च में किसी न किसी चीज़ की मिलावट है। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक अम्ल की मिलावट। नाइट्रिक अम्ल द्वारा भी अनेकानेक मिलावटी भोज्य पदार्थों की पहचान की जाती है, जिनमें से मुख्य हैं सरसों के तेल में आरजी मोम तेल। 5 ml सरसों के तेल में हम 5 ml नाइट्रिक अम्ल मिलाएं तथा इसे 3 से 4 मिनट तक गर्म करते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, यानी आरजी मोम तेल उसमें मिला हुआ है। इसके बाद आता है आयोडीन की जांच करना। यदि परीक्षण के दौरान भोज्य पदार्थ में स्टार्च की मिलावट हेतु की जाती है, इसमें सबसे पहले मक्खन में स्टार्च, पीसी आलू, शकरकंद आदि का मिला हुआ। यदि मक्खन में स्टार्च मिला हुआ है तो इसकी पहचान आयोडीन से की जा सकती है। मक्खन में 1 बूंद आयोडीन डालने से यदि नीला रंग उत्पन्न हो जाता है तो समझना चाहिए मक्खन में स्टार्च की मिलावट हो गई है। दूध एवं दूध से बने व्यंजन से में स्टार्च, दूध व दूध से बने व्यंजन में 1 बूंद आयोडीन डालने से यदि नीला रंग हो जाता है यानी उसमें स्टार्च की मिलावट है। कॉफी कोको में स्टार्च, कॉफ़ी कोको को पाउडर को पहले पानी में घोल लेते हैं, उसके बाद उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, इसके कारण इसका रंग उड़ जाता है। फिर इसमें 1 बूंद आयोडीन के डालते हैं। यदि इसका रंग नीला हो जाता है आयोडीन के कारण तो यानी इसमें मिलावट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जांच नेक्स्ट आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा मसालों उपस्थित कंकड़, बालू, रेत की पहचान की जाती है। पिसे मसालों को कार्बन टेट्राक्लोराइड में गुलाएं। अब इसे हम पानी में घोलकर छोड़ देते हैं। शुद्ध मसाले पानी में तैरने लग जाते हैं और कंकड़, बालू, पत्थर जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई और भोज्य पदार्थों में चीज़ों से मिलावट होती है, जैसे ईथर की जांच करना। इससे रेंसिडिटी की पहचान होती है। रेंसिडिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का खराब होना, रेंसिड होना। 5 ml तेल या वसा लेते हैं, उसमें 5 ml HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। 1/2 मिनट तक हिलाते हैं। अब इसमें फ्लोरोग्लिसरॉल एवं ईथर का 0.1% घोल डालें तथा अच्छी मात्रा में हिलाकर 1/2 घंटे तक यूं ही स्थिर छोड़ दें।
यदि घोल के उपरांत में लाल गुलाबी रंग की परत बन जाती है तो यानी उसमें रैंसिड डी या वो भोज्य पदार्थ क्या हुआ है, खराब हो गया है। नारियल तेल में अरंडी का तेल मिलाना, नारियल के तेल में थोड़ी सी मात्रा में इथर डालें, यदि अच्छी तरह से हिला दें, इसे नमक मिली बर्फ में ठंडा करें, 5-6 मिनट तक यदि इसमें से गंदरा धुआं निकलने लग जाता है तो हमें समझना चाहिए कि इसमें अरंडी के तेल की मिलावट हो गई है। दूध की शुद्धता की जांच कर हम मुख्य रूप से गृहणियाँ करती हैं। 1 kg गाय के दूध में 50-60 ग्राम मक्खन निकलता है, 1 kg भैंस के दूध में 80-100 ग्राम मक्खन निकलता है, 1 kg भैंस के दूध में 200-250 ग्राम खोआ निकलता है, 1 kg दूध में 150-160 ग्राम पनीर निकलता है। अगर भोज्य पदार्थ शुद्ध होगा तभी ये क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है, कि भोज्य पदार्थ अशुद्ध होगा उसमें मिलावट होगी खाद्य पदार्थ में तो हमें ये जो एक्यूरेट मात्रा है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। अंत में यही कहेंगे कि कुल मिलाकर कि भोज्य पदार्थ जो होता है उसकी समय समय पर जांच होनी चाहिए। यह जांच फूड इंस्पेक्टर के द्वारा होती है, हेल्थ विजिटर्स या फूड इंस्पेक्टर शॉप पर जाकर समय समय पर जांच करें कि शॉपकीपर जो है वो माल को सही बेच रहा है या नहीं। इसके लिए हमारी कुछ ना कुछ प्रयोगशालाएँ बनी गई हैं, जिनमें से कुछ हैं सरकारी संस्थाएँ, उद्योग द्वारा संचालित स्वयं की प्रयोगशालाएँ, कुछ निरीक्षक काउंसिल द्वारा स्थापित प्रयोगशालाएँ, कुछ कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल प्रयोगशालाएँ हैं, राज्य सरकार द्वारा सब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लेबोरेटरी है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय भोज्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला है। इन प्रयोगशालाओं में समय समय पर इनके भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाती है, तभी वह गुणवत्ता की जांच होने के बाद वो भोज्य पदार्थ मार्केट में आता है। अब हमने पढ़ा कि भोज्य पदार्थ में पहचान के तरीके भौतिक परीक्षण और रासायनिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण में हमने अलग अलग परीक्षण पड़े जिसके द्वारा हम देखकर भोज्य पदार्थों मिलावट की पहचान की जांच कर सकते हैं, और रासायनिक परीक्षण में भी उसमें सॉल्यूशन डालकर हम केमिकल डालकर उस भोज्य पदार्थ की जांच का पता लगा सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह हुई कि जो फूड इंस्पेक्टर है वो समय समय पर जाकर उसकी पहचान करे, और पहचान करने के बाद भोज्य पदार्थों को उसका हम दुकान शॉपकीपर पर शुद्ध भोज्य पदार्थ हमें मिले तभी उसकी शुद्धता या गुणवत्ता की जाँच होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मानक, फूड स्टैंडर्ड्स क्या क्या बने हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इनके बाद, जैसे एक मार्क आपने सुना होगा, ISI मार्क सुना होगा, ये सब कैसे होते हैं, इनको सरकार कैसे देती है इन मानकों को भोज्य पदार्थ के ऊपर, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम जो भोज्य पदार्थ देखते हैं उनके ऊपर एक मार्क लिखा हुआ होता था, हम भोज्य पदार्थ क्योंकि फूड स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इनका मानक बनाया हुआ तैयार किया हुआ होता है, वो तभी इन डब्बों पर लगता है कि यह जांचे परखे गए हैं। इसके बारे में डिटेल से अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।